और दिल्ली में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। पूर्वी दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास खादर इलाके में ड्रोन के माध्यम से एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव किया गया। इस मौके पर महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल समेत कई निगम अधिकारी मौजूद रहे। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा है कि पूर्वी नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह से गंभीर है। इसके तहत हर घर की चेकिंग, गमलों में दवाइयां, कूलरों की साफ सफाई और तालाबों में मच्छरों के लार्वा को दूर करने का काम किया जा रहा है। छिड़काव किया नहीं, वो काफी नहीं है। हमने एक नई युक्ति, मैं इसके लिए अपने हेल्थ कमेटी चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इसकी खोज की, उन्होंने मुझे हफ्ते पहले बताया कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव। मैं अपने सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने इसको तत्परता से लिया। एक नई मुहिम ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव। ये ड्रोन जहां आप खड़े हैं उसके 2 किलोमीटर चारों तरफ दवाइयों का छिड़काव कर सकता है। इसके अंदर एक समय में 10 लीटर दवाई जाएगी और नदी के चारों तरफ या जहाँ पे कीचड़ है, दलदल है, जहाँ छिड़काव नहीं हो सकता, जहाँ पेड़ है, पेड़ों के ऊपर भी छिड़काव करें, क्योंकि जमुना के अंदर साफ पानी होता है और साफ पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है। इसलिए हमने इसको संज्ञान में लेकर और तुरंत आज इसका हमने इनॉग्रेशन किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.